नोटबंदी के अंदर में देखा जाए तो थोड़ा सा एक मध्यम वर्गीय आदमी के अंदर में दिक्कत आई थी, एक लोअर क्लास लेवर क्लास आदमी के पास में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि उसके अब नोटबंदी हुई, रुका हुआ धन बाहर आया, अपने इंडिया की जीडीपी के अंदर में भी फर्क पड़ा, ठीक है ना, जीडीपी के अंदर में ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें है ना, उसमें फ़र्क पड़े ही है। हमारे धंधे के अंदर में मैं अगर बताऊँ तो देखो सीधी सी बात है, 100% का ना अभी 30% रह गया है बिजनेस जो है ना मार्केट के अंदर में, ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड आप ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो 30% बिजनेस रह गया किसी भी मार्केट के अंदर। ऐसा है देश में जो कोविड से और जीएसटी से जब से काम लोगों का डाउन हुआ है तब से लोग परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब से मोदी सरकार आई है, चाहे अगर बात करें कि 2014 से लेकर अब 2023 आ चुका है, लगभग 9 साल हो चुके हैं, और इस पूरे कार्यकाल में जिस प्रकार से जो सवाल उठाए जाते हैं कि जो व्यापारी वर्ग हैं उनका क्या हुआ और उनके कामकाज कैसा चला इस पूरे कार्यकाल में अगर बात की जाए, तो उसी विषय पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो व्यापारी वर्ग है, जो MSME सेक्टर है ख़ासतौर पर, उनका कैसा रहा, क्योंकि जो तीन सबसे बड़े 2014 के बाद जो रोड ब्लॉक्स रहे वो है नोटबंदी, GST और उसके बाद जो है COVID-19 जब वो आया, तो ये तीन सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स रहे हैं। अब उन्हीं पे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितना असर जो मध्यम वर्ग है या फिर जो MSME सेक्टर है उन पे कितना असर पड़ा, जो व्यापारी वर्ग है उन पे कितना असर पड़ा, इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। सर नाम क्या? मेरा नाम इंदर है। क्या काम करते हैं? मैं गारमेंट्स के अंदर में डील करता हूँ, और आपने जैसे बताया कि MSME के अंदर में मल्टीनेशनल नेटवर्क होता हमारा, ठीक है ना। अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। हम ना गारमेंट्स के अंदर में हर तरह से डील करते हैं, फैब्रिक के अंदर में, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे अपने रेडीमेड गारमेंट हो, एशिया के मार्केट के अंदर में गांधीनगर हो गया आपका, करोल बाग हो गया, अहमदाबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ जहाँ गारमेंट सेक्टर हैं वहाँ पर हमारे लोगों की ब्रांचेज हैं, और वहाँ पर ना हम गारमेंट्स के फील्ड के अंदर में ना अपना सहयोग देते हैं, और मैन्युफैक्चरों से ना कॉन्टैक्ट करके है ना, और कस्टमर और मैन्युफैक्चर के बीच का माध्यम बनते हैं। तो आपको तो फिर जितने भी अभी जो बड़े बड़े बदलाव सरकार के द्वारा किए गए हैं तो उसमें कितना कुछ असर पड़ा है आप तो अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आप इस तरीके के धंधे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि नोटबंदी के बाद कितना असर पड़ा था मार्केट पे, जो आप जिस बिजनेस में। देखिए नोटबंदी के अंदर में देखा जाए तो थोड़ा सा एक मध्यम वर्गीय आदमी के अंदर में दिक्कत आई थी, एक लोअर क्लास लेवर क्लास आदमी के पास में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि उसके अब ग्रोथ ऑफ वैल्यू नहीं थी उसके पास में, उसके पास कोई एक ऐसे कोई मतलब ये नहीं था कि मतलब कुछ बचा के अपने लिए ना कुछ रख सके, जिसका रोज कमाना रोज का खाना है उसके लिए दिक्कत आई। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ना वो इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं था, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेकिन आदमी है ना उसमें स्टेबल हो गया था, इतनी क्राइसिस नहीं रही। नोटबंदी हुई, रुका हुआ धन बाहर आया, अपने इंडिया की जीडीपी के अंदर में भी फर्क पड़ा, ठीक है ना, जीडीपी के अंदर में ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें है ना उसमें फ़र्क पड़े ही है, क्योंकि जो ब्लैक मनी थी वो बाहर आ गई, लोगों ने जो स्टॉप कर रखी थी। दूसरा सेकंड टाइम जो आप जीएसटी का कह रहे हैं, सेकंड के बाद फिर जीएसटी आया तो उसमें कितना असर पड़ा? सेकंड टाइम जो जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर में ये हुआ, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कच्चे माल की खरीद के ऊपर में अपना मुनाफाखोरी करते थे अननेसेसरी लगा के, उसके ग्रोथ ऑफ वैल्यू को पीछे से नहीं लेके चलते थे और आगे अपनी मन मर्जी से रेट लगा के चलते थे, तो उससे ये हुआ, पीछे से GST इंक्लूड होके आती है और आगे प्रोडक्ट और वैल्यू के साथ में मर्ज होके ना आगे कस्टमर तक जाती है, और वो कस्टमर है ना उस चीज़ को देता है, और इससे क्या होता है हमारी जो इनकम जो है 100% एक नंबर के अंदर में काउंट होती है। थोड़ा सा उसमें मार्केट थोड़ा सा क्राइसिस में आई, लेकिन वो भी स्टेबल हुई, तो मतलब उससे भी ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा, उससे भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। और आज है ना देखा जाए उसके बाद फिर कोविड आया, कोविड में तो ऐसे कई चीज़ें जो है जो बंद हो गई थी, तो उस समय तो खासा प्रभाव पड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ के अंदर में फ़र्क पड़ा, हर इंडस्ट्री के अंदर में चाहे कोई भी हो। हमारे धंधे के अंदर में मैं अगर बताऊँ तो देखो सीधी सी बात है, 100% का ना अभी 30% रह गया है बिजनेस जो है ना मार्केट के अंदर में, ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड आप ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो 30% बिजनेस रह गया किसी भी मार्केट के अंदर में। कोविड के बाद 70% बिजनेस आपका ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल।
दूसरा उसके साथ में ये भी हुआ कि है ना, कंपटीशन लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन लेवल ज़्यादा बढ़ा है, तो कंपटीशन लेवल को कैप्चर करते करते ना मैन्युफैक्चर कहीं ना कहीं हताश हुआ है। दूसरा, उसकी जो अर्निंग थी, एक बचत थी, वो उसकी ख़त्म हो गई है। आज वो कैसे कैसे सर्वाइव कर रहा है वो ही जानता है। तो इसके लिए आज एक बिजनेसमैन को हम कहें ना, जितना बड़ा बिजनेसमैन उतने ही बड़े खर्चे हैं, उसके पीछे एम्प्लॉय इतने लगे हुए हैं, क्योंकि एट पेट लेके नहीं बैठा वो, खाली अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहा वो, अपने पीछे 100 एम्प्लॉय लेके बैठे हैं ना, तो 100 एम्प्लॉयों को लेके ना वो चल रहा है, क्योंकि एक के करने से ना ये बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलता है सबके सहयोग से। जब तक देश में हमारी जितनी भी पार्टियां हैं वो सहयोग नहीं देंगी, मतलब सहयोग से ही ये पूरा जो कारोबार है वो चलता है। सर, आपको क्या लगता है अभी जो जो व्यापारी वर्ग है, जो एक मिडिल क्लास है, अब उसके क्या हालात? ऐसा है, देश में जो कोविड से और जीएसटी से जब से काम लोगों का डाउन हुआ है, तब से लोग परेशान हैं, उससे बाद से परेशान है। उससे पहले कुछ सही था, जब जीएसटी चालू हुआ था फिर उठ गया था, नोटबंदी के बाद भी उठ गया था, ये कोविड से ज़्यादा परेशानी हुई लोग। कोविड के बाद से अभी तक नहीं उठा। आप क्या करते हैं? हैं, आप क्या करते हैं? हम भी बस ऐसे ही मार्केट में छोटा मोटा, लोगों की दुकान में आ जाके काम करता रहता हूँ छोटा मोटा बस। तो अभी जो अगर महंगाई की बात की जाए, जो जो एक आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या कोविड के बाद से इन पर कितना असर पड़ा है? देखो, बड़े लोगों का जब काम नहीं चलेगा तो छोटे आदमी पर भी असर पड़ता है। हाँ, सैलरी वही देते हैं, तो सैलरी किसी की छोटे आदमी की बड़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई उससे फ़र्क पड़ा है लोगों को, और घर में खर्चे उतने हैं, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, कुछ सामान जो रोज़मर्रा का लेना होता है उसमें भी नहीं ले पाता है, बच्चे नहीं पाल पा रहा है, पढ़ाई नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि आखिर व्यापारी वर्ग, मिडिल क्लास, इन पर कितना असर पड़ा है, ख़ासतौर पर 2014 के बाद से, क्योंकि जो तीन रोड ब्लॉक जिसकी हमने बात की कि नोटबंदी हुई, उसके बाद फिर GST आया, और उसके बाद से जो COVID-19 का दौर था वो एक पूरा फेज़ ही था एक दो साल का, तो इसमें कितना कुछ असर पड़ा है MSME सेक्टर पे, इन चीज़ों का भी जिक्र किया हमने। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।